हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 4। और गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहें और इसका सोल्यूशन आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो हमें यहाँ पे कहा है कि आपको सम करना है टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, जहाँ पे दो ऐसे कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं कि उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो मैं आपको इससे पहले भी 4.1 में बता चुकी हूँ कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जो जिसमें वन, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे कंजिक्यूटिव नंबर है। 1, 2, जिसमें सिर्फ वन का डिफरेंस हो, जैसे कि 1 उसका कंजिक्यूटिव 2, तो वो नंबर कोई भी नंबर ले लो जिसमें प्लस 1 ऐड करके उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, वो नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जैसे मैंने लिया 11, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 12, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, कंसेक्यूटिव। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे कहा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे उन्हीं को लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर बी एक्स, अगर एक नंबर x है देन अदर अदर क्या हो जाएगा, जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका कंजिक्यूटिव नंबर लेने के लिए हमें उसमें प्लस 1 ऐड करना होता है। तो ये दोनों नंबर हमारे क्या हो गए, कंजिक्यूटिव नंबर्स हो गए। नाउ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो दोनों नंबर है कंजिक्यूटिव नंबर, तो सम ऑफ हूज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, तो इनके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दूसरे नंबर के स्क्वायर का सम यहाँ पे कितना है, 365। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन गई, बहुत इजी इक्वेशन बनाना। अगर आपने कंजिक्यूटिव इंटीजर ले लिए, दोनों पॉजिटिव है इसलिए नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर ये होता है ना, 0 फिर -1 -2 अप टू इन्फिनिटी, फिर +1 +2 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने, तो ये हमने पॉजिटिव नंबर ले लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली। अब इसको हमें सॉल्व करके और ये दोनों नंबर फाइंड करने हैं, एक्स और एक्स प्लस वन दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यही फॉर्मूले में इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वही मेथड पढ़ा है। तो ये जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्म में हम इसको पहले राइट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो ए यहाँ पे कितना है, एक्स, तो ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो बी वन, तो वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस 2ab, तो 2a इज एक्स और b इज वन, तो ये हो गया 2 × 1 × x, कितना हो गया, यहाँ से 2x हो गया। तो ये हो गया 2x इक्वल में 365। तो अब इक्वेशन हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो इक्वल जीरो होती है, तो हम इस सबको ट्रांसफर कर देते हैं उधर। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये भी इधर ट्रांसफर होके -365 हो गया। पॉजिटिव इधर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिग्री से डिग्री ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1x² + 1x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर ये x वाली टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें पहले 2 डिग्री आएगी फिर 1 डिग्री आएगी, तो ये यहाँ पे 2x हो गया। और नंबर नंबर से कांस्टेंट टर्म सॉल्व होगी, तो 365 माइनस का प्लस 1, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 364। और साइन जो नंबर बड़ा है उसका आएगा, तो ये नंबर बड़ा है तो इसका साइन आएगा इक्वल में 0। तब आप यहां से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और ये भी 2 के टेबल में आता है। तो हम इक्वेशन को इजी करने के लिए, सॉल्व करने से पहले उसको इजी करने के लिए, हम यहाँ से 2 कॉमन ले, तो लेफ्ट से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी बच गया एक्स, और माइनस, तो 364 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, उतना बच जाएगा वहां लिखेंगे। तो 1 टाइम 2 1 6 8 16 पूरा कैंसिल,
फोर्थ और टू, तो यहाँ पे कितना आएगा, फोर और ये जीरो, ये टेबल पूरा फिनिश हो गया। तो आपने टू कॉमन ले लिया, तो 364 हमारा किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, 182 इंटू टू के, तो ये टू हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ सिर्फ कितना बच गया यहाँ से, 182 इक्वल में जीरो। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। नाउ इस टू को भी इधर ट्रांसफर कर देते, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, यहाँ टू मल्टीपल में है तो ये यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, जीरो ही होता है। तो ये हमारी लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको कि हमें सॉल्व करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मैंने आपको पहले बताया मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीपल करना होता है। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को हम ए लिखते हैं, वो 1 है, बी भी यहाँ 1 है एक्स का कॉफिशियंट, और सी कितना, ये आपको रफ में करना है 182। तो हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, तो ए इंटू सी यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 इंटू 182, भी यहाँ 182 है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि 182 का जो क्वेश्चन में साइन है माइनस है, तो माइनस करने पर बी आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करने पर। तो यहाँ माइनस है तो ऐसे ऐसे 182 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 1 आए। तो यहाँ पे 182 के फैक्टर बना लिए, तो 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में इवन इवन नंबर है, तो ये हो गया 9 1। फिर आपका 3 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है, और 10 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये आएगा 7, तो 1 और 21 तो 30, तो ये हमारा 13 के टेबल से। तो आप अब यहाँ पे देखो, इसमें से हमें वो नंबर की पैरिंग करनी है कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो ये देखो 7 इंटू 2 14, और ये 13 14 माइनस 13 1 हो जाएगा। तो ये देखो 14 इंटू 13 आपका 182 होना चाहिए, और 14 माइनस 13 इक्वल में 1, तो हम 1 की जगह पे ये पुट करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पे जो एक्स के मल्टीपल में 1 है ना, इसकी जगह हम पुट करेंगे, तो प्लस एक्स एज इट इज, और यहाँ पे 14 माइनस 13 माइनस 182 इक्वल में 0। नाउ ब्रैकेट ओपन, और 2 2 की पैरिंग करके कॉमन लेना है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 14 इंटू एक्स 14 एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 13 इंटू एक्स 13 एक्स, माइनस 182 इक्वल में 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, तो यहाँ से x ही कॉमन आ रहा है क्योंकि नंबर तो कोई है नहीं कॉमन, तो x कॉमन, तो यहाँ से बच गया x प्लस 14। फिर यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो भी साइन होगा इसका वो आपको कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। अभी देखो हमने 182 को क्या लिखा, 14 इंटू 13 लिखा, तो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 182 में भी है फैक्टर में, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 13 कॉमन हो गया, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 13 एक्स में से माइनस 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक्स बच गया, और 182 14 इंटू 13 होता है, इसमें से 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 14 बच गया। तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, एक्स प्लस 14, तो यहाँ भी एक्स प्लस 14 ही होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन राइट है। अब हम x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर से x माइनस कितना बच गया, 13 इक्वल में 0। तो ये दोनों हमारे ब्रैकेट हो गए। अब हमें रूट्स फाइंड करने, हमें नंबर x की वैल्यू चाहिए, तो व्हेन x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x कितना आ गया, माइनस 14, तो एक वैल्यू हमें x की मिल गई, माइनस 14। नेक्स्ट हमारा है व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 13, तो एक वैल्यू हमारी यहाँ से हो गई x इक्वल टू 13। तो आप यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, कौन से नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारी तो यहाँ पे x की एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, सिंस आंसर ऐसे आपको लिख के बताना है, सिंस एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब कैन नॉट बी, ये आपको फाइनल एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ऐसे राइट करके बताना, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू 13। तो आपको दो नंबर है यहाँ पे, x हमें दो नंबर चाहिए थे, आपको फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो एक तो हमारा 13 हो गया, तो यहाँ से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, हैंस टू कंसेक्यूटिव, हैंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो x हो गया 13, एंड दूसरा हमारा x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 इज 14, तो ये हमारा नंबर हो गया 13 प्लस 1 इज 14। तो ये दोनों नंबर हमने यहाँ से फाइंड कर लिए, तो हैंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो गए।
तो अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।